हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3 की। तो ये टेस्ट आप लोगों को देना है। पहले अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, फिर ऑप्शंस हैं, प्लस आप देखना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार, इसे थोड़ा अच्छा लगता है। और इस तरह के टेस्ट आप लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो में ये भी बताएं कमेंट्स में कि अगर इस तरह के टेस्ट आप लोग चाहते हैं ताकि आपकी वेल प्रिपेयरिंग हो जाए तो मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य किस वर्ष बना? तो सिक्किम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, लेकिन सेवन सिस्टर राज्य में ये नहीं आता है, ये भी आप लोग याद रखें। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, चार ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975 में बना था, भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो सिक्किम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। गंगटोक इसकी राजधानी है। ठीक है, और सिक्किम के जो अभी वर्तमान में पीएस गोले, वहाँ के प्रेम कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे पहले पवन कुमार चामलिंग थे, जिनका लार्जेस्ट पीरियड रहे थे सीएम, इनका कार्यकाल रहा था, जिन्होंने ज्योति वसी का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जैविक राज्य भी सिक्किम है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत का पहला जैविक राज्य और ODF राज्य यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले से शौच मुक्त राज्य भी पहला सिक्किम है, इसे भी आप नोट कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ ये सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है, ये भी याद रख लें। चाइना के साथ जो इसका डोकलाम विवाद हुआ था, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो नेक्स्ट ओजोन दिवस मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा, इसका सही आंसर है 16 सितंबर को। ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग बताइएगा ओजोन दिवस की 2019 की थीम क्या है, 2019 की थीम मुझे बताइएगा। 2019 की थीम 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस, ये अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और भारत रत्न इन्हें दिया जा चुका है, ये आप लोग याद रखेंगे नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में किस वर्ष हुआ? तो आप लोगों को ये बताना है, 1909, 1917, 1920, 1942। तो इसका सही आंसर है 1917, चंपारण जो सत्याग्रह था बिहार में, तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें बुलाया था, लखनऊ ये भाग लेने आए थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, वहाँ से इन्हें राम कुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति लेके गए थे और वहाँ पर इन्होंने इनका सत्याग्रह बिल्कुल सक्सेस रहा था और अंग्रेज़ों को लगान वहाँ पर माफ़ करना पड़ा था, जो वो प्रथ चलाई जा रही थी ज़बरदस्ती, इनसे नील की खेती कराई जाती थी किसानों से, तो वहाँ को लेकर काफ़ी ये था और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। 1920 में असहयोग आंदोलन इन्होंने करा था, 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने ही करा था। नेक्स्ट है, पुस्तक लाइफ दीवान किसकी पुस्तक है? इसमें लेखक का नाम बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद घोष। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप पढ़ लें प्लीज़। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, भगत सिंह के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के आधार पर आप लोगों को ये बताना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेमी अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रैमी अवार्ड, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के। ठीक है, इसके चार ऑप्शन है, कार्डी बी, दिव्या कनाट, जोखा लारथी और कार्डी सी। तो इसका सही आंसर है कार्डी बी को, ये इस बार दिया गया 2019 के लिए। जोखा अलारती को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आप लोगों को बताएं, तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले, 1873 में इन्होंने की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 का विजेता आप लोगों को बताना है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। तो इसका फुल जो 2019 का वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है, तो वो उसका विजेता बताना है आपको। असल में ये जो गेम है, ये फ्रांस में आयोजित हुआ था 2019 वाला, और USA ने जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था मेल वाला,
वो किसने जीता था, प्लीज़ फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो यार लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। नेक्स्ट है बायोगैस किसका मिश्रण है, तो ये बहुत क्वेश्चन आता है बार बार, और इसी तरीके के टेस्ट में भी मैं क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड एनालिसिस करके, ताकि आप लोगों को बहुत इससे फ़ायदा मिले। तो इसका सही आंसर है मीथेन प्लस CO2, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, वैसे राज्यपाल का कॉन्सेप्ट वहाँ पर ख़त्म हो गया, अब वहाँ पर उपराज्यपाल हैं, तो आप लोग अभी जो वर्तमान में वो कौन है वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें सही आंसर है सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी। ठीक है, कल्याण सिंह पहले राजस्थान के गवर्नर थे, लेकिन उन्हें अब हटा दिया गया है। ठीक है, एनएन बोरा इनसे पहले थे, तो सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर के वो भी हटा दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं कि किसके कितने नंबर हैं। इसके PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं डाल रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करें टारगेट फॉर IQ, ठीक है, और वहाँ पर इसको सर्च कर लें। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ साथ UP APO PCSJ MP सिविल जज, बिहार सिविल जज और सभी अन्य एग्जाम के लिए हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7500110314 पर व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, GS पार्ट के लिए स्पेशली प्री और मेंस के लिए ग्रुप चल रहे हैं, बाकी डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू।